नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 127 इको बटालियन गढ़ी कैंट में अपर महानिदेशक प्रादेशिक सेना जनरल गुलाब सिंह रावत द्वारा प्रदान की गई कोविड राहत सामग्री का फ्लैग ऑफ किया। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों के लिए इस कोविड राहत सामग्री का प्रबंध 127 बटालियन प्रादेशिक सेना गढ़वाल राइफल्स द्वारा विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से किया गया। कोविड राहत सामग्री के तहत ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, पल्स ऑक्सीमीटर, मास्क, सैनिटाइजर एवं खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 127 बटालियन प्रादेशिक सेना गढ़वाल राइफल्स का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी सेना का अदम्य साहस एवं वीरता का इतिहास रहा है। अपने सैनिकों की वजह से ही हम चैन की नींद सोते हैं। कोविड के समय में भी सेना के जवानों ने अनेक तरह की सेवाएं प्रदान की। उधर उत्तराखंड में स्कूलों को खोले जाने को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया है कि कई प्रदेशों का अध्ययन करने के बाद इस तरह का निर्णय लिया गया है। सीएम ने इस विषय को लेकर कहा कि स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों के साथ समीक्षा की गई है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं वह उत्तराखंड के बेहतर भविष्य के लिए कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले एक साथ कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला किया था, लेकिन अब 2 चरणों में स्कूल खोले जाएंगे। 2 अगस्त से 9वीं से 12वीं तक के बच्चे 4 घंटे स्कूल में पढ़ाई करेंगे और 16 अगस्त से कक्षा 6 से 8 के बच्चे स्कूल जाएंगे और उनकी पढ़ाई 3 घंटे ही होगी। हम सबकी व्यवस्था कर रहे हैं और हमने पूरी समीक्षा की है, सारे आंकड़े मंगाए हैं, अन्य प्रदेशों का भी अध्ययन किया है और सारे स्वास्थ्य विभाग के लोग और सारे विभागों के लोगों के द्वारा जो हमने समीक्षा की है उसके आधार पर हम कर रहे हैं। और जो भी कर रहे हैं हम प्रदेश के हित में कर रहे हैं। हमारा काम केवल, कुछ लोगों का काम है केवल विरोध के लिए विरोध करना। हम जो कर रहे हैं प्रदेश के हित में कर रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों के हित के लिए कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 16,472 लाभार्थियों को आवास स्वीकृति प्रमाण पत्र देकर उनके अपने घर के सपने को पूरा किया है। ग्रामीण विकास विभाग की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना के तहत लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिए गए। आवास स्वीकृति प्रमाण पत्र मिलने से सभी लाभार्थियों को अपना घर मिलने का सपना पूरा हुआ है। मुख्यमंत्री आवास के जनता मिलन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी के सपने को साकार कर रहे हैं और इसी के तहत इस योजना को अमली जामा पहनाया जा रहा है। सीएम ने आवास लाभार्थी पुस्तिका का भी विमोचन किया। लाभार्थियों में देहरादून के 61 और हरिद्वार के 59 लाभार्थी शामिल हैं। देहरादून और हरिद्वार जिले को मिलाकर इस योजना से प्रदेश भर में 16,472 लाभार्थी लाभान्वित हुए। कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, औद्योगिक विकास मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों में खुशी की लहर है। उनका कहना है कि सरकार ने आज उनके अपने सपने का घर होना साकार कर दिया है और इसके लिए वो सरकार के काफी आभारी हैं। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद नैनीताल ने उत्तराखंड बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस बार हाई स्कूल का रिजल्ट 93% और इंटर का 99% रहा है। आमतौर पर रिजल्ट जारी होने वाले दिन स्कूलों में छात्रों की भारी भीड़ देखी जाती है, लेकिन इस बार कोरोना काल में स्कूलों में छात्र लगभग नदारद ही रहे हैं। जिस तरह से रिजल्ट को लेकर छात्रों में उत्साह रहता है वैसा उत्साह इस बार देखने को नहीं मिला। हालांकि काफी छात्र इस रिजल्ट से खुश हैं तो तमाम ऐसे भी छात्र हैं जिन्हें अपने रिजल्ट से ज्यादा खुशी नहीं है और वे परीक्षा देकर अपने अंक सुधारना चाहते हैं। काजल रानी। काजल, कितनी परसेंटेज आई आपके? मेरी 77। किस तरीके की प्रिपरेशन करी थी और अपने जूनियर को भी क्या मैसेज दोगे? हमने काफी अच्छी तरीके से मतलब तैयारी की थी और हम तो चाहते थे कि पेपर हो जाए बट हो नहीं पाए, बट ये था कि हमारी पूरी तैयारी थी पेपर देने की और हम भी आगे ये बोलेंगे कि अच्छे से पढ़ाई करें, कोरोना के उसमें भी अच्छे से पढ़े। अगर ये पेंडेमिक परसेंटेज से आप? नहीं, मेरे 80 था, 80 पार मतलब, पर नहीं हो पाया, बट पेपर होते तो आ जाती थी। आपका नाम क्या है? शांभवी अग्रवाल। आप कौन सी क्लास में थे? 11th। कितना स्कोर किया आपने? 94.8। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बगैर पेपर दिए? हाँ, लेकिन अगर पेपर देती तो शायद थोड़ा ऊपर जाता। कितनी उम्मीद रखी थी आपने? मैंने मतलब पेपर देने से पहले या फिर जब अनाउंस हो गया? पहले मैंने 95 तक रखी थी। 90 में आपके कितने परसेंटेज? 91%।
नाम क्या है? प्रज्ञा सैनी। कितनी परसेंट देते हैं? 93। कैसा लग रहा है, क्या देंगे? अच्छा लग रहा है, अगर पेपर होते तो ज़्यादा खुशी होती, सेटिस्फेक्शन होता, मम्मी पापा को भी खुद से ये सब। जो जूनियर होने भी क्या मैसेज देंगे? ये बोलना चाहेंगे कि अच्छे से पढ़े, अपनी स्टडीज को ज़्यादा ध्यान दें। 100% रिजल्ट रहा है तो प्रसन्नता तो होती है कि सारे बच्चे जिनका एक वर्ष बहुत कीमती वर्ष होता है, उन बच्चों का एक साल अच्छा रहा है और आगे बढ़ गए हैं, तो हमें तो प्रसन्नता है ही। तो बता दें कि आज उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद नैनीताल ने उत्तराखंड बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस बार हाईस्कूल का रिजल्ट 93% और इंटर का 99% से ज्यादा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार भी सक्रिय हो चुकी है। बीजेपी इन दिनों जगह जगह बहुउद्देशीय शिविर आयोजित कर जनता से जुड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं हम आपको बता दें कि ग्रामीण जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए आज अल्मोड़ा के लमगड़ा क्षेत्र में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने शिरकत की। इस मौके पर जिले के आला अधिकारी भी मौजूद रहे, जिसमें जनता की समस्याएं सुनाई गई और उनके तत्काल समाधान के निर्देश दिए गए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि जनता की समस्याओं का मौके पर ही समाधान के लिए यह शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे, जिसमें लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निदान किया गया और ये बताया गया कि यहां आपदा, मुआवजा, पेयजल की दिक्कत, सड़कों की समस्याओं को लेकर लोग पहुंचे हैं। जनता दरबार मैं सभी विभागों के जितने अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं और सैकड़ों की संख्या में जो यहाँ पर आई है अपनी समस्या को लेकर, अभी तक करीब 150 तक पंजीकरण। श्री मनोज मेलगानी, ग्राम प्रधान मोरोडी, अधिकतर जो समस्या तत्काल यहीं पर समस्या का समाधान का निराकरण किया जा रहा है। जैसे कहीं पर मुआवजा के लिए जो उसके लिए पैसे की कमी थी उसकी स्वीकृति भी करा दी और भीड़बंदी की सड़कों की थी पौधन की गीता थी उसके लिए शिकायत उसमें जाँच के आदेश कर दिए गए, सीटों उसमें जाँच करेगा। पेयजल से संबंधित समस्या थी, पेयजल के लिए अभी तरह समस्या का समस्या है उनका समाधान करने तत्काल GPR बनाए। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा, यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। उत्तराखंड के स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत लगातार उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हाल ही में डॉक्टर धन सिंह रावत ने दिसंबर 2021 तक उत्तराखंड में 100% कोविड वैक्सीनेशन की घोषणा की है। उत्तराखंड में उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की क्या कुछ रणनीतियां हैं, इन्हीं तमाम विषयों को लेकर ANB न्यूज ने उत्तराखंड के स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से खास बातचीत की। उत्तराखंड के स्वास्थ्य व उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं कि मौजूदा समय में स्वास्थ्य महकमा अब डॉक्टर धन सिंह रावत को मिला है, किस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तराखंड अब आगे बढ़ रहा है। मंत्री जी, 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य आपने दिसंबर तक का रखा है, क्या प्रोग्रेस है फिलहाल? अभी देखिए, हमको 77 लाख लोगों पर वैक्सीन लगानी है 30 दिसंबर तक, और आज मुझे बड़ी खुशी है कि 57 लाख लोगों पर अभी तक वैक्सीन आज तक हमने लगा दी है। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि देश का पहला राज्य होगा उत्तराखंड जो कि 30 दिसंबर तक 100% वैक्सीनेशन करा देगा। अभी हम तीसरे स्थान पे पूरे देश में, और हमने टारगेट ये किया है कि अगस्त के महीने में हमारा बागेश्वर जिला और रुद्रप्रयाग जिला, ये दो जिले हम देश में पहला नंबर आएगा हमारा, जहाँ के 100% दो जिलों का वैक्सीनेशन पूरा करा देंगे। तो हमारा बहुत व्यापक अभियान चल रहा है, लोग भी काफ़ी उसमें कॉपरेट कर रहे हैं। कुछ हमारे विपक्षियों ने पहले कुछ भ्रांतियाँ फैलाई थी, लेकिन अब लोग बहुत तेज़ी से वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि हरिद्वार ज़िले में हमने ये भी घोषणा की है कि जो गांव 100% वैक्सीनेशन होगा उसको 3 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। तो हम हर प्रकार से काम कर रहे हैं, जो वृद्ध लोग हैं, विकलांग लोग हैं, जो है
वैक्सीन केंद्रों तक नहीं आ सकते हैं, तो वहाँ मोबाइल टीम भेज रहे हैं और गांव गांव में भी वैक्सीनेशन कराने का टारगेट हमने किया है। अच्छा मंत्री जी, लिंग परीक्षण रोकने के लिए ब्लॉक स्तरीय एक समिति की बात आपने की है, क्या होगा इसका स्वरूप? देखिए, हमारे राज्य में 5 जिलों में जो नेशनल एवरेज है उससे कम लिंगानुपात है, और मैंने कुछ दवाइयों पे भी अब प्रतिबंध लगा दिया है कि जब तक डॉक्टर नहीं लिखेगा तब तक वो दवाइयाँ जो है कोई नहीं बेच पाएगा। दूसरा ये भी किया हमने कि जहाँ जहाँ अल्ट्रासाउंड व्यवस्था है, लगभग 650 स्थानों पे प्राइवेट और सरकारी में अल्ट्रासाउंड व्यवस्था है, हम हॉस्पिटल के बाहर वहाँ कैमरे भी लगा रहे हैं। अगर किसी की शिकायत आई कि वहाँ जबरन अल्ट्रासाउंड होता है और कोई भी शिकायत आई तो वहाँ बायोमेट्रिक हाजिरी भी हम करेंगे ताकि ये पता चल जाए कि कौन कौन लोग वहाँ आए थे। अच्छा मंत्री जी, शिक्षा, उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं आप, और 1 सितंबर से आपने शैक्षणिक सत्र को एडमिशन की बात की है और 1 अक्टूबर से शिक्षा प्रारंभ हो जाएगी, 30 अक्टूबर तक रिजल्ट भी आ जाएगा, क्या इसको लेकर पूरा आपका ब्लूप्रिंट? देखिए, देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जहाँ के हम 4 लाख छात्रों को वाईफाई फ्री देने की अब लॉन्चिंग करने वाले हैं। एक हम उच्च शिक्षा में एक बड़ा काम हमने किया है कि हर बच्चे की डिग्री अब उसकी डिजी लॉकर के माध्यम से उसके फ़ोन पे आ जाएगी, उसको कहीं विश्वविद्यालय में जाने की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। तो बच्चे के हज़ारों रुपए बच जाएंगे, अब उसके मोबाइल पे उसकी डिग्री आ जाएगी, और देश का पहला राज्य है जिसने 4G कनेक्टिविटी दी है, डिजी लॉकर की व्यवस्था की है, वाईफाई की व्यवस्था की है, ई ग्रंथालय की व्यवस्था की है, ड्रेस कोड की हमने बात की है, और 180 दिन की पढ़ाई हमने कहा कि कॉलेज में होना अनिवार्य है। अच्छा मंत्री जी, एक प्रश्न जो है वो छूट गया था, स्वास्थ्य महकमे से ही है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से ये निवेदन किया था जब पहली मुलाकात हुई थी शपथ ग्रहण के बाद कि कुमाऊं में एक एम्स की सौगात दी जाए, उस ओर क्या प्रोग्रेस है? मैं भी मुख्यमंत्री जी के साथ हूँ कि निश्चित रूप से अगर हमको एक एम्स और मिल जाता है तो और अच्छी व्यवस्था हमारे कुमाऊं में हो जाए। आपसे बात मिली, धन्यवाद। तो हमने बात की उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से, स्पष्ट रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या प्रोग्रेस है और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो फैसले डॉक्टर धन सिंह रावत के द्वारा लिए जा रहे हैं उनको लेकर उनकी राय जानी, और जो निर्देश उन्होंने उच्च अधिकारियों को दिए हैं और जो लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया है, उनका कहना है कि समय से उन लक्ष्यों को पूरा कर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन रमन जायसवाल के साथ में रोहित विक्रम सिंह, एनबी न्यूज, देहरादून। उत्तराखंड में नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी मुख्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान गणेश गोदियाल ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। गोदियाल ने कहा कि राज्य की बीजेपी सरकार राज्य की जमीन को खुर्द-बुर्द करने में लगी है, तो वहीं कांग्रेस राज्य की जमीन के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्व पंडित नारायण दत्त तिवारी की सरकार राज्य के लिए मजबूत भू कानून लाई थी, लेकिन वर्तमान बीजेपी की सरकार राज्य की जमीन को व्यापारियों के हाथ में बेचने में लगी है। वहीं केदारनाथ से कांग्रेस के विधायक मनोज रावत ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला और नए भू कानून लागू होने के बाद से अभी तक की जमीन की खरीद बिक्री पर सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। जिस दिन ये कानून लाए, क्या उस दिन कांग्रेस ने उसका समर्थन किया? कांग्रेस ने पुरजोर विरोध किया, और आज ये जो आम जनता के बात पहुंची है ये भी कांग्रेस की भूमिका है। हम तब से लगे हैं, उस दिन से लगे हैं लोगों को समझाने में, और ये बात आज परवान चढ़ी है तो मुझे खुशी है इस बात की। और अगर सरकार ने अच्छा ही किया था तो आज क्यों चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बना दी? सरकार अपने निर्णय पर स्वयं आशंकित है, इस बात का एक प्रमाण है कि उन्होंने जो कमेटी बना दी अपने किए हुए पर स्वयं आशंकित है सरकार। हम तो पहले से कर रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं, तो आज आशंकित हुई है सरकार, तो ये कांग्रेस पार्टी की जीत है और हर एक उस व्यक्ति की जीत है, उत्तराखंड के उस व्यक्ति की जीत है जो अपनी जमीनों को बचाने के लिए संघर्ष रखता है। जी हाँ, हमारा साफ साफ आरोप है, और अगर आप जांच करें, गहराई से जांच करें, और आप मुझ में, तो आप लोगों को मैं जागृत करना चाहता हूँ, ये अनुमान आप सब लोग बहुत बलशाली हैं, अपने भीतर की आप शक्ति को जगाएं और ये देखने का प्रयास करें। मैं, मेरा साफ आरोप है कि उत्तराखंड की सरकार ने कुछ संस्थाओं को, कुछ अपने खास व्यक्तियों को इस कानून के जरिए बहुत ही। एक और छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, रुख करते हैं कुछ और खबरों का। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने ऋषिकेश के राजकीय चिकित्सालय का आज निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं के बारे में पूरी पूछताछ की और सीएमएस से फीडबैक लिया।
मौके पर उन्होंने मरीजों से बातचीत की। इस दौरान वैक्सीन लगाने को लेकर आ रही समस्याओं के बारे में स्थानीय लोगों ने राज्यसभा सांसद को अवगत कराया। राज्यसभा सांसद ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही वैक्सीन लगाने के संबंध में जो दिक्कतें पेश आ रही हैं उनका निराकरण किया जाएगा। सरकार ने उत्तराखंड को दिसंबर तक 100% वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा है। यह तभी संभव होगा जब समस्याओं का समाधान भी होगा। मौके पर नगर निगम के महापौर अनिता ममगाई और बीजेपी के तमाम नेता उपस्थित रहे। केवल प्रेरित करने के लिए लोगों को भारतीय जनता पार्टी सभी वैक्सीनेशन सेंटर पर अपने सहायता केंद्र लगा रही है, हेल्प डेस्क, और सब जगह एमपी, एमएलए, विधायक, मंत्री सब जा रहे हैं निरीक्षण करने, जिससे लोगों का मनोबल भी बढ़े, लोगों में जागरूकता आए वैक्सीनेशन के प्रति, और कहीं कोई कमी लगेगी तो उसको दूर करने का भी प्रयास किया जाएगा। उसी के अंतर्गत मैं यहाँ आया था। अच्छा काम यहाँ पर हो रहा है, रोज़ाना मुझे लगता है 300-400 वैक्सीनेशन यहाँ पर हो रहे हैं और ये एक अच्छा स्कोर है। बाकी लोगों से भी मैंने बात की है, लोग इससे, जनता खुश है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने इस कोविड की महामारी में। उत्तराखंड के ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से प्रगति विहार जाने वाली रोड 100 दिनों में ही उधड़ गई है। ऐसे में सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। कई लोग उधड़ी सड़क पर गिरने से चोटिल भी हो चुके हैं। वही मामला संज्ञान में आने के बाद विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने निरीक्षण कर रेलवे के अधिकारियों से पहले तो वार्ता की। वार्ता में स्पष्ट जवाब नहीं मिलने पर विधानसभा अध्यक्ष ने डीआरएम को फोन पर फटकार लगाई। साथ ही 3 दिन में गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ करने वाले ठेकेदार के खिलाफ एक्शन लेने और सड़क का पुनः निर्माण करने के निर्देश दिए। बड़ा दुखद विषय है कि 4 महीने पहले एक रोड बनती है और रेलवे स्टेशन के ठीक बगल में आपने देखा है, अभी अब मैं आपके साथ मैंने मुआयना किया है, क्या हालत। धीरे धीरे कोरोना काल खत्म होने के साथ साथ अब उत्तराखंड प्रदेश में शिक्षा मंत्री द्वारा कक्षा 6 से 12 तक के विद्यालय खोले जाने का आदेश जारी कर दिया गया है, जिसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने अमल करते हुए कोरोना काल में बंद विद्यालयों में सैनिटाइजिंग का कार्य शुरू कर दिया है। वहीं विद्यालय प्रबंधक ने बताया कि कोविड के बाद जब अब विद्यालय खुले जा रहे हैं तो नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाएगा। शिक्षकों को भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं स्कूल में आने वाले छात्रों और अध्यापकों की थर्मल स्कैनिंग के साथ साथ 6 गज की दूरी पर भी ध्यान दिया जाएगा। हमने जैसे शासन ने जो भी SOP या जो भी गाइडलाइन जारी की थी उसको जो है पूर्णतः हम उसका पालन करते हैं। हमने सभी क्लासरूम्स की सफाई करा दी है, वैक्सीन उनको सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे जो बच्चे स्कूल आएंगे गेट पर ही सबसे पहले उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए उनको सैनिटाइज किया जाएगा, और अगर वो सभी बच्चों को बोल दिया गया है कि वो जो है मास्क लेके आए, मास्क लगाकर आए, अगर उनके पास मास्क नहीं होगा तो स्कूल उनको जो है मास्क जो है फेस कवर या मास्क देगा। और इसके अलावा हमारे जो सोशल डिस्टेंसिंग के जो भी रूल्स हैं, 6 फीट की दूरी होनी चाहिए, इन सभी का पालन किया जाएगा। और हमने अपने सभी टीचर्स से जो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी कलेक्ट कर लिया है, और जिन टीचर्स ने अपने आप को वैक्सीनेट नहीं कराया है उनको हमने निर्देशित किया है कि वो जो है 3 दिन के अंदर जो अपने आप को वैक्सीनेशन की जो इंजेक्शन लगवाएँ। और इसके अतिरिक्त जो भी गाइडलाइंस, जो भी जो है सूचना, जो भी दिशा निर्देश हमें दिए जाएंगे, हम उनका समय समय पर पूरी तरह से पालन कर गया। ये 2 अगस्त से स्कूल खोलने का निर्णय है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। और मैं अब सबसे स्कूल प्रशासन से ये अपील करना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे हमारे स्कूल में आएँ उनका रेगुलर सैनिटाइजेशन हो, बच्चे आने पर स्कूल गेट पर ही उसका थर्मल स्कैनिंग करके सैनिटाइजेशन करके ही उसको क्लासरूम में भेजें, और वहाँ पर अध्यापक भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः बच्चों से पालन कराएं। थोड़ा मुश्किल है लेकिन कोशिश करेंगे तो सब काम होंगे, क्योंकि कब तक बच्चे ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ेंगे, क्योंकि ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ने के बाद जो स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर सकता है बच्चा, वो ऑनलाइन रहकर शायद मेरे हिसाब से नहीं कर पा रहा है। वो उतनी दिलचस्पी से ना बच्चे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन और ना ही पढ़ाई कर पा रहे हैं। स्कूल में जाएंगे बच्चे, उनका अपना थोड़ा सा दिमाग भी पढ़ाई की तरफ और जागरूक होगा। और राज्य आंदोलनकारी व वरिष्ठ समाज सेवी फकीर सिंह कन्याल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर की तैनाती की मांग की है।
कन्याल ने कहा कि सितारगंज जैसे इतने बड़े क्षेत्र में एक बार रोग विशेषज्ञ का भी न होना किसी दुर्भाग्य से कम नहीं है। सितारगंज स्थित महिला चिकित्सालय खंडर की अवस्था में जा चुका है। डॉक्टर्स नहीं होने की वजह से महिलाओं को भी इलाज के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फकीर सिंह कन्याल ने कहा कि सितारगंज के लोगों को हल्द्वानी, रुद्रपुर और पड़ोसी राज्य के बरेली व पीलीभीत इलाज के लिए जाना पड़ता है। इस सितारगंज में चिकित्सा के मामले में बहुत पिछड़ता हुआ सितारगंज है। सितारगंज में अच्छे डॉक्टर की नियुक्ति होनी चाहिए। एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट बताओ, हमारे सितारगंज में बच्चों का डॉक्टर ही नहीं है। लोगों को किच्छा, रुद्रपुर, खजी में भागना पड़ता है। मैं सरकार से निवेदन व आग्रह एज ए उत्तराखंड राज्य अधिकारी कहना चाहूँगा कि आपके उत्तराखंड में कई सौ आदमी MBBS करते हैं, उनके साथ एग्रीमेंट होता है कि आप यहाँ पर जो है इतने साल तक पढ़ाएंगे, तब आप कहीं पर जाके प्राइवेट अपना अस्पताल खोलेंगे। लेकिन कुछ लोग सांड कांड करके अपनी जान पहचान व परिचय का लाभ उठाते हुए उस सरकार की योजना को धक्का देके निकल जाते हैं। अरे भाई, आप सभी डॉक्टर को अच्छा मानते। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद को लेकर अब पूरी तरीके से स्थिति क्लियर हो गई है। आपको बता दें कि चुनाव में जो बाजी है वो शेखर लखचौरा ने मार ली है, जिसमें शेखर लखचौरा ने निवर्तमान अध्यक्ष महेश परिहार को 5 मतों से शिकस्त दी। वहीं उपाध्यक्ष पद पर कुंदन लटवाल, महिला उपाध्यक्ष सुनीता पांडे और कोषाध्यक्ष कमलेश कुमार निर्वाचित हुए हैं। सभी पदों के लिए सीधे मतदान हुए। कलेक्ट्रेट परिसर में हुए बार एसोसिएशन के पांचों पदों के चुनाव में 252 में से 239 मतदाताओं ने मताधिकार का उपयोग किया। देर शाम आए परिणामों में अध्यक्ष पद के दावेदार शेखर लखचौरा को 119 और महेश चंद्र सिंह परिहार को 114 मत मिले। 5 मतों से लखचौरा ने जीत दर्ज की। इसके अलावा उपाध्यक्ष पद में कुंदन लटवाल ने कविंद्र पंत को 32 मतों से हरा दिया। हम लोगों का ये राजस्व न्यायालय जो है, जहां हम लोग चलते हैं, अभी पांडेखोला स्थापित हो चुका है और वहां फैसिलिटी नहीं है, तो एक लड़ाई वो रहेगी। और कमिश्नरी हम लोगों के यहाँ पे अल्मोड़ा में होनी चाहिए और जो रेवेन्यू जो है उसका राइट्स जुडिशरी के लोगों को मिलना चाहिए एग्जीक्यूटिव से हटा के, और फिर और विचार में उसके बाद जो भी होगा। तो अभी इस बार आम सभा में बाद में जो प्रस्तावित हुआ था कि महिला उपाध्यक्ष की सीट होगी, ये बहुत अच्छा साइन था, क्योंकि शीर्ष अदालत ने भी कहा है कि बार काउंसिल में जो है महिला प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो मैं तो सोचती हूँ कि जैसे कि हमारे अधिवक्ता महिलाएं आज प्रैक्टिस में लगातार आ रही हैं, तो उनके बहुत सारे जो महिला मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं संवेदनशील होंगे। युग प्रवर्तक कथाकार प्रेमचंद की 141वीं जयंती के शुभ अवसर पर आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज हुकुम सिंह बोरा राजकीय महाविद्यालय सोमेश्वर के हिंदी विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद के साहित्यिक योगदान को स्मरण करते हुए वक्ताओं ने ना उन्हें केवल एक महान साहित्यकार अपितु युग दृष्टा और युग सृष्टा लेखक कहा। इस अवसर पर विभाग द्वारा कविता, निबंध, पोस्टर और कथा वाचन का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से किया गया। इसी के साथ अपने उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।